पाने के लिए भी नहीं है, मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है, देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात है, ज़्यादातर सरकारों का स्वभाव होता है वो ये मिजाज में रहते हैं, हमने तो सब कुछ कर लिया, हम तो सब कुछ करते हैं। मैं नहीं मानता हूँ मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया है, सही दिशा में जाने का प्रयास किया है, फिर भी बहुत कुछ है जो मुझे अभी भी करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे देश की कितनी आवश्यकताएं हैं। हर परिवार का सपना, वो सपना कैसे पूरा हो, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूँ जो हुआ है वो ट्रेलर है, आपको अच्छा लगा है, लेकिन मैं बहुत अधिक करना चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं उस बात को कहता हूँ। दूसरी बात है कि 2047 का जो विजन का सवाल है, एक तो मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह करके आया हूँ और मैं अनुभव करता था कि बार बार चुनाव, आचार संहिता, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो मेरे राज्य से 30-40 सीनियर अच्छे अफसर ऑब्जर्वर के नाते जाते थे इलेक्शन ड्यूटी, तो 40-50 दिन तक वो बाहर रहते थे, तो मुझे चिंता रहती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊं, क्योंकि देश में ऐसे चुनाव होते ही रहते और मेरे ऑब्जर्वर जाते रहते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये इसको वैकेशन नहीं मानता हूँ, मैं चुनाव होगा तो उस पीरियड को वैकेशन के रूप में नहीं लूँगा, मैं अफसरों को पहले से काम देता हूँ, भाई अगली सरकार के लिए ये काम करो। तो मैं उस समय भी 100 दिन का प्लान करता था। हाँ, उसी में पूछना था मुझे। हाँ, अभी तो चुनाव हो ही रहे हैं, अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और आप 100 दिन का प्लान बना रहे हैं। मैं चुनाव में जाने से पहले शुरू किया। हाँ, और दरअसल मैंने कैसे किया कि मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था, और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे, शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं। मैंने अलग अलग एनजीओ को कॉन्टेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया, उसका काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। ओके, मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। अच्छा, और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन लिए 2-2.5 घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल हैं, कौन सी चीज़ें डुएबल नहीं, थोड़ा सा ट्रेलर बता सकते हैं उसको, मैं अंदाज, मैं ऐसा है कि आचार संहिता चल रही है। अच्छा, मैं अभी अगर इन चीज़ों को बताऊंगा तो शायद कोई उसको गलत अर्थ में ले लेगा, तो मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ जी, लेकिन इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है, मिल ही जाएगा। दूसरा, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, जो मेरा विजन है जी, लेकिन वो विजन मोदी की बपौती नहीं है, वो 15-20 लाख लोगों के विचारों को उसमें समाहित किया, एक प्रकार से इसकी ओनरशिप देश की है,